वेलकम बैक श्री, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं आप सब लोगों को। और सुबह से हमारी ये ट्रांसमिशन जो है, ट्रांसमिशन और हमारा ये प्रोग्राम जो है, शो ये जारी हो सारी है। और आप सब लोग जानते हैं कि आज ए प्लस की पहली एनिवर्सरी हम मना रहे हैं। और जैसा कि हमारा ये इस दफ़ा का एक स्लोगन भी है, सफ़र था तो मुश्किल मगर मंजिल अब दूर नहीं। और हमें यकीन है जिस तरह से हम लोगों ने ये माइलस्टोन तय किया, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप लोगों का साथ रहेगा और इसी तरह से हम एक एक करके तमाम सीढ़ियां जो हैं वो तय करते चले जाएंगे इंशाल्लाह। और जिस तरह हमने आज सुबह से लेके अब तक आपको इंटरटेन किया, आपको एक अपने प्रोग्राम्स का रिव्यू दिया, दोबारा से लेकर गए और जितने भी आप लोगों के फेवरेट प्रोग्राम्स थे, शोज़ थे, प्लेस थे, उन सब का आपको रिव्यू दिया, उनसे रिलेटेड लोगों से आपकी बात करवाई, उसी तरह अब हम एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पर आप मुझे भी देख रहे होंगे, मैं थोड़ा तमीज़ से बैठ गई हूँ, रोज भी थोड़ी सीधी हो गई है। मैं शुरू से तमीज़ से थी वैसे। मैं थोड़ा सा नीचे गिर रहा था। तो इस वक्त हमारे पास जो गेस्ट हैं, उनका इंट्रोडक्शन मैं इसलिए करवाना चाहूंगी। वैसे तो ये जो दोनों पर्सनालिटीज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों मेरी बहुत फेवरेट हैं, इसलिए क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे लेसन्स इनसे सीखे हैं, चाहे वो शो बिजनेस के हवाले से हो या फिर जिंदगी को किस तरह से गुजारना चाहिए वो हो। सबसे पहले हम तारुफ कराना चाहेंगे, रूह रवा हैं, रहनुमा भी हैं हमारे और चेयरमैन ऑफ ए प्लस ए टी वी और ए फैमिली के जो है वो करते धरते हैं हमारे साथ हैं, चौधरी जब्बार साहब। अस्सलाम वालेकुम जब्बार साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों को मुबारक हो, पूरे स्टाफ को मुबारक हो, स्पेशली ख्वाया साहब को, क्योंकि ये पौधा इन्हीं का लगाया हुआ है जी। और उनके बाद जैसे चेयरमैन साहब ने जिक्र किया कि उनके साथ भी कोई बैठे हैं जिन्होंने मिस कर दिया, उन्होंने अच्छा किया क्योंकि उनका इंट्रोडक्शन दिए बगैर हम उनको सामने नहीं रिवील नहीं कर सकते थे। ये एक ऐसे इंसान है, पाकिस्तान में वाहिद इंसान है जिन्होंने जो कि तीन प्राइवेट चैनल्स के लॉन्च के पीछे थे। इन्होंने पहले NTM को लॉन्च किया, उसके बाद इन्होंने प्राइम टीवी को लॉन्च किया और अब इन्होंने बहुत सक्सेसफुली पिछले दो चैनल्स को किया था, इसी तरह ए प्लस को लॉन्च किया। हम लोग पिछले एक साल में जितना कुछ इनसे सीख गए, अगर हम इसमें से 10% भी इम्प्लीमेंट कर गए, जैसे बहुत से लोग हमें कहते हैं कि कर गए अगर ऐसा, तो हम लोग बहुत सक्सेसफुल इंशाल्लाह ताला हो सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द लेटेस्ट सेलिब्रिटी इन टाउन, द स्टार ऑफ बोल, राजीव ख्वाजा साहब। एंड यू नो आई वाज सेइंग यू आर अ वेरी गुड यू नो वर्जन ऑफ आवर प्रेसिडेंट, बेटर वर्जन ऑफ आवर प्रेसिडेंट। बट सर, वेलकम टू द शो और आपको बहुत बहुत मुबारक भी हो, पहली हमारी एनिवर्सरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ तो सबका, आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं सब एम्प्लॉयज़ का, सब हमारे कुलीग्स जो हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज हम स्टेज तक आए। अभी कल की बात लग रही है जब जब लॉन्च शो किया था और इतनी जल्दी एक साल गुजर गया। खैर अभी तो सफ़र काफी बाकी है, आगाज है, बिल्कुल पहला स्टेप जिसे कहते हैं। अच्छा एक चीज सर, जब हम आपके विजन को देखते हैं, यू नो यू आर बेसिकली द मास्टरमाइंड एंड यू हैड द विजन के मतलब रिसोर्सेज बहुत कम भी थे मगर उसके बावजूद आपने यू नो यू सेड के ये सब कुछ पॉसिबल होगा। और एक चीज जिसको मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ और सुबह से हम उसी चीज का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि आपने हमेशा नए लोगों पर बिलीव किया है, आपने हमेशा क्या न्यू फेसेस ऑन द स्क्रीन एंड न्यू पीपल बिहाइंड द स्क्रीन। सो आपको कैसा लग रहा है? देखिए मैंने मेरा हमेशा से ये था और लेकिन मैंने हमेशा एज अ एम्प्लॉय काम किया और मुझे हमेशा एक अपना विजन तो है, होता है इंसान का, हर इंसान का होता है, लेकिन इस केस में हमेशा ये होता है कि जो आपके जो बोर्ड होता है, यहाँ पे जो चेयरमैन होते हैं, यहाँ पे जो ओनर होते हैं चैनल के, उनकी फिलॉसफी को भी आपने साथ लेके चलना होता है और एक्चुअली सारा कुछ बेस उसी पे होता है। एब्सोल्युटली। सो इन दिस केस आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि इनका एक पहले चैनल चल रहा था जो एक टेरेस्ट्रियल था और एक अवाम के चैनल था और इन्होंने टोटली उस फिलॉसफी से हट के और एक इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ हमें अब उससे हटना है और बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से करना है। सो इसका सारा क्रेडिट मैं इनको दूंगा कि ही एक्सेप्टेड दैट कि नहीं, एक सक्सेसफुल चैनल को छोड़ते हुए उसकी जो फिलॉसफी थी हमने एक अलग तरीके से उसको किया कि आप बिल्कुल दोनों चैनल्स को कंपेयर नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल डिफरेंट चैनल है और ये बिल्कुल डिफरेंट चैनल है। अच्छा फिलॉसफी की आपने बात की ना, उसकी तरफ हम जरा बाद में आएंगे। मैं जरा पहले जब्बार साहब से पूछना चाहूंगी कि जब्बार साहब, जिस तरह से इन्होंने कहा, हमारे MD साहब ने फरमाया कि आपका बहुत साथ रहा, आपने ATV जो कि एक टेरेस्ट्रियल चैनल एंटेना पे
कुछ नहीं आ रहा मगर पीटीवी और एटीवी जो है वो देखा जा रहा है, और जाहिर है उसकी व्यूअरशिप जो थी वो एक बहुत मुख्तलिफ किस्म की थी। और फिर ए प्लस एक सैटेलाइट चैनल का जो रिस्क आपने लिया, तो क्या बहुत चैलेंज था जब आपने स्टार्ट किया? क्या लोग बहुत सारे, जब एक ओनर कोई ऐसी चीज़ या चेयरमैन कोई ऐसी चीज़ बड़ा स्टेप लेने जा रहा होता है तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें भी कह रहे होते हैं, तो क्या आपका क्या एक्सपीरियंस था जब आप स्टार्ट कर रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरूज, मेरा ख्याल है मैंने ख्वाहिश साहब, क्योंकि स्टार्ट करने में इन्हीं का रोल है, ये साथ शुरू दिन से साथ हैं, एक लम्हे के लिए मैंने नहीं सोचा कि ये कामयाब नहीं हो सकता। सही, क्या बात। मेरे जहन में यही था कि 2-4-6 महीने इंशाल्लाह लगेंगे। इसने थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लिया कि अभी मैं ये नहीं कहता कि हम 100% कामयाब हैं, लेकिन वही जो आपने लिखा हुआ है, सफ़र मुश्किल था, अब मंजिल दूर नहीं, इंशाल्लाह ताला। मतलब मैं एक लम्हे के लिए ये नहीं दिल में लाया कि जी बड़ा मुश्किल काम है, मतलब इस कंपटीशन के दौर में, लेकिन कोई ऐसा घबराहट वाली बात नहीं थी कि मुश्किल है। जहाँ तक एटीवी आप कह रहे हैं, एटीवी को गवर्नमेंट का है, अब तो शायद हमारे पास रहे भी ना। एटीवी पे से पहले भी चले, एटीवी उसने साल चलाया, किसी ने 1.5 साल चलाया, सब चले गए, भाग गए। पीटीवी ने चलाया, उसने 80 करोड़ का लॉस किया। हमने 6 साल बड़े सक्सेसफुल कामयाबी से चलाया, बहुत सक्सेसफुली। मैं दावे से कह सकता हूँ कि जितनी पार्टियाँ आई सब भाग गई, दरमियान में भाग गई, इसने साल चलाया, दो चलाया, ये दोनों जिनके नाम ले रहे हैं एसटीएन, वो दोनों ही मतलब भागने वाले लोग थे, भाग गए, पैसे लेके भाग गए लोग। और आपने कहा ना भाग गए, पहले भाग गए, तो अभी भी जिस हमें, आपके लिए बहुत हार्ड टाइम हमें शायद भगाया जा रहा है कि आप भाग जाओ, इसको छोड़ो क्योंकि कामयाबी से कोई चला रहे। सही। तो इसलिए इंशाल्लाह कोई ऐसा नहीं, सैटेलाइट में मुश्किल ज़रूर है, सही, थोड़ा टाइम लगता है कामयाबी में, फिर कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान में कितने चैनल इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, ख्वाहिश साहब से बहुत मैं उम्मीद रखता हूँ। हमारा आपस में थोड़ा सा मतलब कि ख्वाहिश साहब तो कह रहे हैं मेरा थोड़ा सा है कि जी इनका किबला और तरफ है, मेरा किबला और तरफ है, मशरिक और मगरिब, कोशिश करता हूँ मैं उस किबले को जोड़ने। लेकिन ये भी तो कहा जाता है ना, जब्बार साहब के ऑपोजिट जो होते हैं, जो जरा मुतजाद होते हैं, वो जरा साथ भी अलग-अलग हो तो साथ अच्छा निपटता है। ऑपोजिट अट्रैक्ट वाली बात, अच्छा मुश्किलात भी है। जब्बार साहब मुझे तो चले साथ साथ वो मशरिक और मगरिब को मिलाएंगे तो मुश्किल, मुझे ऐसा लग रहा है मियां बीवी के रिश्ते की बात। अच्छा जब्बार साहब, मैं आपसे एक बात, आपने कहा ना कि पता नहीं हमारे पास रहे ना रहे, जिस तरह से आपने कहा ना पहले लोग आए और वो भाग गए एटीवी के हवाले से, तो मेरा पता नहीं क्यों इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव है, क्योंकि आपकी नीयत को मैं जानती हूँ, मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है अगर अभी थोड़ा सा मुश्किल वक्त है भी ना, तो इंशाल्लाह इवेंचुअली आप ही के पास आना है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा सर, आपसे बातें, आप ए प्लस के बारे में गुफ्तगू करें, एटीवी छोड़ दें। अच्छा, ए प्लस पे एक चीज जो क्योंकि कादर साहब के साथ हमेशा से हमने देखी है, और क्योंकि हम लोग तो ऑफ एयर भी एक साथ होते हैं, तो हमें एक्सपीरियंस है सारी चीज का। जैसे अरूज ने कहा कि कादर साहब ज्यादा यंगस्टर्स के साथ काम करने में बिलीव कर रहे होते हैं और स्टार्स बना रहे होते हैं, तो आप कभी इस मामले में नहीं, मैं इस मामले में ख्वाहिश साहब मामले कभी नहीं आया, ना मैंने कभी मुदाखलत की है कि किसको ले रहे हैं, कौन ले रहा है, कौन है, क्या है। एक आदमी में रिस्क लेता हूँ। ये आपने क्या किसको कहा है, ये रिस्क किसके ऊपर? अच्छा, फिलॉसफी की हम बात कर रहे थे, क्या ए प्लस की क्या फिलॉसफी है? मतलब खैर मैं जानती हूँ, मगर मैं चाहूंगी कि देखने वालों को आपके जरिए पता चले। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जब हम लोग आए तो सैटेलाइट चैनल जितने थे वो फोकस टोटली एंटरटेनमेंट की तरफ था। ऑफ कोर्स हम भी एंटरटेनमेंट चैनल हैं और हमारा फोकस भी एंटरटेनमेंट पे, बट इसमें जो डिफरेंट हमने, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि नया चैनल आए तो उसमें कोई डिफरेंट हो, तो हमने कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस की जो कभी पाकिस्तान में पहले नहीं हुई। कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स और इस तरह के जो आप अगर देखें तो हमारा स्लोगन भी था शुरू में, सोशली रिस्पॉन्सिबल, सो वी वांटेड टू ओन दैट स्टेटमेंट। और आप हाँ कबूल है, जो आई थिंक जब से चैनल लॉन्च हुआ है वो प्रोग्राम चल रहा है, और लोग उसको शुरू में शायद समझ रहे थे कि ये एक्टर्स लेके और हम कोई इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता फिर लोगों को यकीन आया कि नहीं ये सचमुच हो रहा है, वाकई शादियां करा रहे हैं। और आज आप देखें 50-60 लड़कियों की, गरीब लड़कियों की शादी हुई है और वो
हंसी खुशी रह रही हैं माशाल्लाह, बल्कि हमारी आज मुलाकात भी उनसे। और ना सिर्फ ये मैं आपको बताऊं ख्वाजा साहब, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं और बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने हम लोगों को फॉलो भी किया, एंड आई फील कि उसका सारा जो भी सवाब है या जो भी क्रेडिट जाता है वो अल्लाह की ज़ात भी उन्हीं आप लोगों को ही देगी जिन्होंने ये नेकी का काम स्टार्ट किया था। आज हमने उनको सुबह में अप्रिशिएट भी किया है कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कि आप लोग उस कॉन्सेप्ट को लेके आगे चल रहे हैं, आप फॉलो अप कर रहे हैं उस काम का जो कि हमने स्टार्ट किया। सर एक सवाल जो हमेशा से हम लोग ऑफर भी पूछते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि इसको ऑनर भी बताया जाए, यू नेवर अफ्रेड ऑफ एनी अदर चैनल, आप किसी के प्रोग्राम से नहीं डर रहे होते, आप उनका नाम भी कहते हैं कि लिया जाए, इनफैक्ट ई न्यूज़ के अंदर बार बार जिस चैनल का भी सीरियल होता है उसका नाम भी आता है, किसी शो की बार बार बात करते हैं उस चैनल का नाम आता है, तो ये जो चीज़ है आप इससे इतना ऑफ बीट होकर कभी सोचते नहीं कि यार विप्लैश या बैकलैश आए ना इस चीज़ का? इसका बैकलैश क्या आ सकता है अगर आप किसी चैनल का जिक्र है? मुझे आज तक ये पाकिस्तान में समझ नहीं आई कि इस चीज़ का खौफ क्यों है लोगों में कि किसी दूसरे चैनल का नाम लेने से क्या है? मतलब हमने कभी ये क्लेम नहीं किया कि वी हैव बिकम नंबर वन, बट मैं फिर भी समझता हूँ अगर पहले साल में हम टॉप फाइव में आ गए हैं तो इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट, आगे गोल बहुत बड़ा है और इस साल में इंशाल्लाह हम टॉप थ्री में आएंगे, वहाँ तक हम पहुँचेंगे। और ये नाम ना लेना मुझे आज तक समझ नहीं आया कि अगर हम कोई जियो की बात कर रहे हैं या उनका एआरवाई का नाम ले रहे हैं तो ये दूसरे चैनल में क्यों इनकार करते हैं? मेरा ख्याल है जब से इन्होंने शुरू किया नाम लेना, अब बाकी चैनल भी मैं देख रहा हूँ वो नाम ले, जियो भी मैं पोआम चला जिसमें मेरा भी नाम लिया गया। अच्छा तारीफ की आप तो खैर वैसे पूछने लगा, अब जरा सारे चैनल वो चीजें नहीं रही जो एक जमाने में होती थी, अब वो उस तरह से अब चेंज हो गया। अच्छा 2010 से 2011 का सफर, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं दोनों से ही, मेरा सवाल है बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अब मुझे बताएं कि जाहिर बात है जो सेठ साहब होते हैं जो ओनर होता है उनकी तो एक्सपेक्टेशंस नहीं मतलब जो ओनर होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई और वो होती हैं, मगर अगर हम टेक्निकली और प्रोफेशनली देखें और ग्राउंड रियलिटीज़ को अगर जहन में रखें तो आपको पता होता है कि आप सर्टेन लिमिट तक जा सकते हैं, आपको लगता है कि आपने उतना अचीव कर लिया है या उससे ज़्यादा अचीव कर लिया है या जितना सोचा था।